गुड मॉर्निंग माई ब्यूटिफुल सखियों। तो बहुत दिन बाद इतनी सुबह उठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वाली फीलिंग आ रही है कि यार कैसे मैं 4 बजे उठा करती थी। बाहर से बहुत आवाज़ आएगी, तो चलो फटाफट से अभी एडिटिंग मेरी बाकी है वो कर लेती हूँ, बाद में मिलेंगे आपसे। अपलोड कर दिए सखियों आप लोगों के लिए, एंड अब बज गए हैं 8:30। और वीडियो अपलोडिंग पे लगाने के बाद मैंने और भी बहुत सारे काम किए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बैठ के ये वाला पूरा आला क्लीन किया, इसमें पार्थू की बुक्स लैपटॉप वगैरह ढंग से रखे, ये यहाँ तक भरा हुआ था तो मैंने पूरा खाली कर दिया। खुशी की पत्तियाँ देख सकते हो काफ़ी बड़ी हो रही हैं। और मैंने कुछ ये वाला आला खाली करके इसको भी सेट किया, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेडशीट्स वगैरह रख दी हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती वो वाली, क्योंकि यहाँ पे भी कबाड़ भी पड़ा था। और इस वाले आले को भी पूरा खाली करके जो इसका सामान था वो डाला। तो सुबह सुबह जितना काम हो सकता था ना मैंने कर लिया है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ। पार्थू को मुझे वैसे बैठ के घंटों घंटों पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका पेपर चल रहा है ना तो क्लास में पूरा 1 घंटा लग जाता है, बैठना पड़ता है, और फिर घर के काम। तो इसलिए फटाफट से, हाँ कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं घर में, पर पारुल दीदी नहीं आ रही है, ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। मैं पारुल दीदी को उस दिन कह रही थी कि मैं दरवाजे में बैठ जाऊँगी, झोले वाली दीदी आ रही, झोले वाली दीदी आ रही, जोर से चिल्लाऊँगी, आपने 8 तारीख को बोला था, पाए नहीं। तो भाई झोले वाली दीदी नहीं आई। और क्या बताऊँ, मम्मी लोग सो रहे हैं अभी, और अनुपा भी उठे हैं, ब्रश किया है, एंड हाँ अब जरा किचन का काम, मम्मी लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैंने कितना कूड़ा निकाला है सफाई करके, तो वो सब हम करेंगे। गुड मॉर्निंग सपना, ये सपना इसको देख के हम सपना बोलते हैं, पैकेट सपना का। जीजू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकिता कह रही जीजू आप बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड हो, क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो हर चीज़ में। कुक्कू करो वाली वीडियो में उसका जो कमेंट था ना वो ब्लॉक वर्ड में चला गया था, तो अभी मैं देख रही थी कि हाँ मुझे सपोर्ट किया। हाँ बहुत सारे लोगों ने बोला, किसमें? कुक्कू में। हाँ क्या? मेरे साथ आई। मैं आपके साथ आई, हम दोनों साथ थे बुढ़ो, हम दोनों साथ हैं भाई बनियान और नाइटी वाले ब्लॉगर्स हैं। हाँ जब अनु 15-16 साल के थे ना तब से ही दिल्ली में इतने सारे कबूतर हो ज़्यादा होते थे ना, कबूतरों को दिल्ली में, ये जो चांदनी चौक पे एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, पक्षियों को अगर कोई जानता होगा तो वहाँ पे अनुप भी जाते थे। और एक बार ना अनुप मुझे भी ले गए, क्योंकि मुझे उस पक्षी को पकड़ना पड़ा पीछे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो जब हम वहाँ ले गए ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, इनको तो मैं बहुत छोटे से जानता हूँ। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्होंने कभी भी नहीं बताई, और ये मुझसे छुप छुप के ना, क्योंकि मैं बहुत डांटती थी, मुझे डर लगता था ऐसे करते थे ये, तो इनके संग रह के मैंने ऐसे काम करना सीखा। इससे पहले जो गाय आपको मिली थी प्रेग्नेंट, एक बार गाय भी इनको मिली थी जो प्रेग्नेंट थी, और वो बहुत ज़्यादा घायल थी, तो ये 2:30 बजे तक वहाँ सड़क पर बैठे रहे, ऑफिस से छुट्टी हुई और ये घर नहीं आ रहे थे, तो मैं बार बार फ़ोन करती थी कहाँ हो, तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगी इसको लेके नहीं जाएगी तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। तो बिल्ली मंजू, याद है मंजू भी एक बार मैं, और मतलब इस तरह के तो कई किस्से हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ तो मतलब ये घर पे लेके आते थे, डिब्बे में डाल के छुपा देते थे कि मैं चिल्लाऊंगी बोल के, कि मुझे बहुत डर लगता था, मैं मतलब नफरत नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता। गुड मॉर्निंग माँ। तो मम्मा भी उठ गई हैं। तो यार वही वाली बात है जैसे कुसुम आंटी कह रही थी ना कि बेटा मैं दिखाना नहीं चाहती, और तुरंत उसके बाद है ना एक मैसेज आया था कि मुझे कुसुम आंटी का फ़ोन नंबर दे दो, मुझे एक घायल पक्षी मिला है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल ले जाना है। मैं कुसुम आंटी का नंबर किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि उन्हें, मैंने आपको बताया, 1 मैन आर्मी है, कम से कम 100 से ऊपर पक्षी वहाँ पे थे, मैंने आपको दिखाया भी नहीं क्योंकि
कुछ कारण से मैंने ये सब नहीं दिखाया क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको परेशान करते हैं, इतने पक्षी रखना अलाउड नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, और रिक्वेस्ट क्या करी थी यार, मतलब मैं अनूप को भी, अनूप मुझसे बोल रहे थे कि सीमा आंटी का नंबर देना, मैं उनसे बात करूँगा, तो भी मैं कह रही थी कि यार उनको डिस्टर्ब नहीं करते, कभी मिलने जाना होगा, कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं मैसेज ज़रूर करूँगी आंटी को, मैं ज़रूर टच में रहूँगी, लेकिन उनको परेशान मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो अकेले घर का काम भी करती हैं, अकेले पक्षियों को भी देखती हैं, और कोई नौकर ना चाकर कुछ भी नहीं, मतलब हाँ हाथ बटाने जाऊँगी, कहते परेशान मत करो हाथ बटाने जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी हाथ बटाने। और वही वाली बात है, पुण्य करो पर जताओ मत ज़्यादा। एंड कुकू वाली वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी सकियों क्योंकि फिर आप में से लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए थे कुकू कैसा है, कुकू कैसा है। मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के कैमरा लिया है उस दिन, अनु से मैं कहती थी मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी, मैं जब कुकू को लेने उतर रही थी ना तभी मैंने कह दिया था मैं कैमरा लेने नहीं जाऊँगी, पर अनुप ने बोला ऐसे मत करो कैमरा लो, क्योंकि कई बार होता है ना डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है कि ये सिचुएशन ऐसी थी, यहाँ से उठाया, ये सब किया, तो इसलिए ले लो, तब मैंने कैमरा लिया था, वरना तो लाइफ में बहुत कुछ होता है जो आप लोग जान भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते। चलो सखियो पंखा चल गया, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं बहुत बिजी हो गई हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ ना उसके तुरंत बाद मैं काम पे लग जाती हूँ, 2-3 घंटे बाद फिर मैं आपके कमेंट चेक करती हूँ। हाँ वो देखो वो क्या बोल रहे हैं, देखो मैं भी लग जाता हूँ काम पे, और वो देखो काम शुरू हो चुका है। चलो जी बाय बाय, 6 मिनट की व्लॉग तो यहीं बना दी सकी तुम्हारे लिए, आज तो यहीं ख़त्म कर देंगे। तुम मुझे, मैं ना तुम्हें बर्थडे में वो दूंगी गिफ्ट, मैं गंजी हो जाऊंगी, तुम खुश, चुप हो जाओ, बाली बाल तुम्हारे बाल झड़ रहे ना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोची मैं भी अपने झाड़ दूँ। बाल के बारे में मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई है लाइट के साथ, ये बालों का वो गुच्छा बना के पौधे के नीचे, मतलब नहीं गलते बाल, तब भी नहीं गलते बेटा, नहीं गलते नहीं, इसके अंदर कुछ बहुत अच्छा विटामिन होता है। हाँ इतना ही विटामिन होता तो हमारे सर से क्यों झड़ते, प्लांट्स के लिए। अरे जाओ छोड़ो, देखो मैंने मम्मी की आईब्रो बना दी, मम्मा आईब्रो दिखाओ, दिखाओ ना ऊपर, बहुत अच्छी आईब्रो हो गई है, आँख मत दिखा, सूझ रही नहीं, सूझ रही भाई। और ये देखो आज तो ये फाइनली इधर देख रहा है, पता चल रहा है सो रहा है भाई, इसको उठा के इधर से उधर ले जाना, इतना 1-1.5 किलो का तो 2 किलो का तो हो गई है ना, ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, दो आमा को दो, तो सब सो के उठ चुके हैं, बाय, अच्छे से कपड़े धोना, बाय बाय, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। जी कर दूंगी। तो मम्मी और पार्थो गए उस वाले घर में, यहाँ मैं फटाफट से बना लेती हूँ साबुदाना खिचड़ी एंड झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ताकि जल्दी से हमारा काम निपट जाए सुबह का। और तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो क्या? तो बज रहे हैं 1:15, नहा धो लिया है, घर के ऑलमोस्ट काम निपट चुके हैं, पार्थो का टेस्ट बहुत अच्छा गया है हमेशा की तरह, है ना, पार्थो ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया आज, गुड बॉय। और मैंने ना प्रॉमिस किया है इसको एक चॉकलेट दिलाऊंगी आज, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा किया इसने, सके नाश्ते के साथ ही मैंने दाल चावल दोनों ही चढ़ा दिए थे, और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो वहाँ से बाहर से होके आते हैं एंड फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, बाहर कैमरा लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, बारिश का यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो मम्मी भी रेडी हैं और अब हम निकल रहे हैं बाहर। तो अंकिता कहती सरप्राइज़ तो बताओ दीदी, सरप्राइज़ तो बताओ, ऐसे कैसे, थोड़ा वेट करो, भाई कोई यकीन नहीं मानेगा, हम दिल्ली वाले हैं, हमें ऐसी कड़क सर्दी झेलने की आदत है, लेकिन इतनी खतरनाक ठंड लग रही है ना, इस कमरे में बैठ नहीं पा रहे हैं, मम्मी लेटी थी, मम्मी अचानक से गायब हो गई सकी हो, और मेरे को इतनी ठंड लगी कि मैंने पहले उठ के ना पंखा बंद किया और मेरे हाथ मेरे एकदम ठंडे ठंडे हो गए, और मैं भाग के गई तो मम्मी वहाँ सिकुड़ के लेटी आराम से, वो वाला कमरा थोड़ा गर्म है, तो मैंने आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो कह रही मुझे ठंड लग रही थी, मैं वापस चलो उस कमरे में लेके आई हूँ, तो कह रही फिर मेरे को उस कमरे में चाय पीने का मन करता है, तो मैं चाय बनाने ही जा रही हूँ, और आई थिंक 4:15 हो चुके हैं, चाय का टाइम हो रहा है, और अमिता के लिए दीदी थोड़ी सी ठंडी यहाँ पे भेज दो, देखो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, सच्ची कह रही हूँ, मैंने इतनी मोटी जीन्स पहनी हुई है लेकिन मुझे फिर भी ठंड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम लग रहा है मुंबई का, पता जब बारिश होती है, और मेरी ये जो खिड़की है ना इसमें से बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चलती है, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, बहुत अच्छी हवा चलती है, तो मैं मम्मी को कह रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर रोज ऐसा आ रहा है ना मुझे स्वेटर और शॉल निकालने पड़ेंगे, बहुत ठंड है, तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो हम आ गए थे मार्केट से सखियों, और
मैं आ गई थी मार्केट से, मैं गई थी वो कलर लेने के लिए, पंखे का ना वो जो जंक लग रहा था व्हाइट वाला कलर, तो उन्होंने बताया कि अभी ना उनके पास छोटी डिब्बी नहीं है, एक लीटर का डब्बा है पेंट का, तो एक लीटर का पेंट मैं क्या करती, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए एक लीटर का पेंट, जब छोटा आएगा तो उन्होंने बोला 1 वीक के अंदर आ जाएगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है 1 वीक के अंदर आ जाएगा तो अच्छी बात है। और खाना हमने खा लिया, आज खाना नहीं दिखाया, रोज़ रोज़ थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हूँ, सेम नहीं रखना चाहती, थोड़ा सा सोचती हूँ किस दिन खाना दिखा दे, किसी दिन नाश्ता दिखा दे, किसी दिन रात का खाना दिखा दे, तो वो कोशिश करती हूँ। अब मैं ना आपको भी दिखाती हूँ, आपने मेरी ब्राउन शुगर देखी होगी, तो इस बार की ब्राउन शुगर को आप देखो, ये थोड़ी कम ब्राउन है ना, तो मैं अनुप से कह रही थी क्योंकि जो अनुप लेके आते हैं ना वो इतनी ब्राउन होती है, कम से कम पिंजरी जैसी लगती है, पर मैंने अनुप को कहा कि ये वाली मत लाना, लाना है तो फिर ब्राउन शुगर वही वाली लाओ, वरना फिर सफ़ेद ही ले आओ, फ़ायदा क्या है ब्राउन शुगर का, क्यों वैसे लिखा है इसमें प्रीमियम है, बट मुझे तो पता नहीं क्यों नहीं लग रही प्रीमियम जैसी, मुझे तो वही अच्छी लगती है। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, मेरे आँख का काजल वाजल सब फैला पड़ा है, कौन दो यार, घर के ही तो लोग देख रहे हैं, कौन से बाहर वाले, कोई नया सब्सक्राइबर थोड़ी आया है, घर की सखियाँ देख रही हैं, चलता है ऐसे क्यों, घर के लोगों के लिए कौन सचता है, कोई नया आए तो मुझे बताना, हम नए हैं तब मैं तैयार होंगी, बड़े आई पुराने लोगों के लिए कौन सचता है। चलो भैया बहुत ही बढ़िया मौसम नजरने लगे हमारी मुंबई के मौसम को, और हमारी दिल्ली में भी भगवान तेज तेज बरसात हो जाए तो बस मज़ा आ जाए। और क्या नई ताज़ा बताऊँ आप लोगों को, कुछ नया ताज़ा तो है नहीं, प्लान तो कर रही हूँ लेकिन क्या करूँ, कर ही रही हूँ चुपके चुपके, चोरी चोरी कुछ काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पता चलेगा आप लोगों को। तो चलो फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ अब चाय, और उसके बाद फिर मम्मी और मैं बैठ के चाय पियेंगे, एंड अब मैं मिलूंगी आपको नाइट में। तो आई एम सो सॉरी सखियों, ब्लॉग का एंड करना तो मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने एक कुर्ती शूट करके रखी थी जो अपने बर्थडे में मैंने पहनी थी ना पर्पल वाली, उसी के साथ मैंने इसको भी मंगवाया था, तो इंस्टाग्राम में तो आपने देखा था इस कुर्ती को, लेकिन मैंने यूट्यूब में नहीं दिखाया था। तो देखो ये भी सेम स्वर्णा ब्रांड की है, आर्ट सिल्क इसका जो मटीरियल है, और अगर मैं कुर्ती की डिटेलिंग की बात करूँ ना तो ये है अंदर का इनर, जो कि देखने में आपको बहुत प्रिटी लग रहा होगा, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज़्यादा पतला है, और जब आप इसके अंदर कोई और कलर की ब्रा पहनते हैं तो वो आपको साफ साफ नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि इसके कंधे गिरते रहते हैं, ये देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, इसके कंधे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, अगर आप पतले हैं आपकी ब्रेस्ट हल्की है तो ये कुर्ते आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये कुर्ती बहुत पसंद आती है तो अल्ट्रेशन आपको अंदर वाला इनर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके गला जो है काफ़ी डीप है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि इसके ऊपर तो जैकेट आएगी, लेकिन हाँ इसकी जैकेट बहुत ज़्यादा सुंदर है। चलो अब इसकी जैकेट की बात करते हैं, जैकेट जो आपको अभी स्क्रीन पर कलर दिख रहा है उससे थोड़ी सी डार्क है, इसका प्रिंट बहुत ही प्रिटी है, और इसमें हल्का हल्का सीक्वन वर्क भी हो रखा है नेक के पास, और ये जो इसकी डोरी है वहाँ पे भी बहुत अच्छा मोती का वर्क किया गया है। तो मैं आपको जैकेट को डाल के दिखाती हूँ, सिर्फ एक डोरी बांधनी है आपने। अब मैं इसके इनर को इसलिए खराब बोल रही हूँ क्योंकि ये जैकेट पहनने के बाद भी आपका ब्रेस्ट वाला हिस्सा नजर आता है, और जो ब्रा आपने पहनी है फिर वो अंदर से बहुत ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये सोचा है कि उसके अंदर मैं व्हाइट ही कपड़ा लगवा दूंगी, ऑल ओवर ये कुर्ती फिर पहनने के बाद जैकेट अच्छी लगती है। नीचे बॉटम पे जो मैंने पहना है वो मैंने FBB से लिया था कॉटन का, तो ये खाली कुर्ती ही कुर्ती अभी 1250 की दिख रही है, लेकिन अजियो में आपको पता है डिस्काउंट चलते रहते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। तो चलो सखियों आज की ब्लॉग का तो मैं एंड नहीं कर पाई, तो कुछ इस तरह से ही एंड कर रही हूँ, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों।